हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिमाचली धड़कन। तो गाइस पीछे देखिए आज क्या है। ये बड़े दिन के बाद बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। फिर भी जो गर्मी थी उसको थोड़ा कम किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी यहाँ पे। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आज हल्की बारिश हुई है, जिसके कारण ठंडक ठंडक महसूस हो रहा है। ये जो गर्मी हुई है इसका सीधा असर हमारी फसल पर पड़ा है, जो फसल सूख गया है कम से कम आधा। गर्मी के कारण हमारे टमाटर शिमला मिर्च सूख गए हैं। टमाटर तो कुछ ज़्यादा ही सूख गए हैं और ख़त्म हो गए, बिल्कुल पौधा ख़त्म नष्ट हो गया है। शिमला मिर्च थोड़ा है, अभी बारिश हो जाएगी एक दो दिन में तो बच जाएंगे। वैसे दे रखी है बारिश, मतलब हो सकती है बारिश, चांस है 80 से 100% 11 और 12 जुलाई को। अभी हो गई है शाम, अभी बारिश रुकी है फिलहाल। तो मैं आपको अपने टमाटर के हाल चाल दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस टमाटर के हाल, टमाटर बिल्कुल सूख गए हैं। ये देखो नीचे को तो बिल्कुल ख़त्म, ये देखो ख़त्म है बिल्कुल, सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा। अब टमाटर की फसल भी ख़त्म हो ख़राब हो गई है, और इसका रेट भी आजकल डाउन चल रहा है, 200-300 रुपये रेट जा रहा है, 150 रुपये तो लगभग किराया लग जाता है, तो क्या बचेगा। ऊपर से फ्रूट नहीं है, ऊपर से रेट भी नहीं है, किसानों का तो कुछ नहीं हो सकता, ये बुरे हाल है। इधर को बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इधर को थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है अभी। अगर एक दो दिन में बारिश नहीं होगी तो ये भी सूख जाएगा, बट अब मौसम को देख के ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी एक दो दिन से, और इंटरनेट पे भी दे रखा है। टमाटर भी पकने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। गाइस अब मैं दिखाता हूँ शिमला मिर्च की क्या पोजीशन है। ये है गाइस शिमला मिर्च की भी काफ़ी हद तक ख़राब है दुर्दशा, मुरझाए से हैं थोड़े, इसमें थोड़ा हमने सिंचाई किया था थोड़े, इसलिए थोड़े हरे हैं, वरना अभी तक तो ये बिल्कुल ही सूख जाते। ये देखिए गाइस इसमें फ्रूटिंग, तो आज बारिश हुई है तो इसमें ओस जैसी बारिश की बूंदे, तो बहुत अच्छा लग दिख रहा है। ये परे तक है, ये देखिए गाइस सूखे का मार, ये देखिए सेब कैसा हो गया है सूखे की मार से नुकीला। ये जो साइड का है, और ये देखो अगर बारिश होती तो इतने ऐसा साइज होता बढ़िया, तो ये थोड़ा थोड़ा साइज खराब हो चुका है। अगर देखा जाए ना गाइस तो किसान ना हर तरीके से पीटता है कसम से, ये देखा गया है। मरता कौन है, मिडिल क्लास लोग, किसान कैसे। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि गाइस भी महंगाई बढ़ रही है तो किसको फर्क पड़ेगा, किसान को या मिडिल क्लास फैमिली को। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है हमेशा किसान ही दबा है, किसान मिडिल क्लास फैमिली। अब देखिए गाइस अभी जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए है ना, कोरोना लॉकडाउन के टाइम बसें नहीं चल पाई, तो बस ऑपरेटर की मांग एकदम से स्वीकार कर ली गई, उनका किराया एकदम बढ़ा दिया। ये नहीं देखा कि किसान और मिडिल क्लास वालों को क्या होगा, जिनके पास इनकम का साधन क्या है, फसल है, उसका भी रेट अच्छा नहीं मिलता, तो जायज़ सी बात है, तो खेती कौन करेगा, कोई करना नहीं चाह रहा है, नहीं चाहता है। जो भी न्यू जनरेशन आ रही है जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, उनमें कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वो आगे जाकर खेती करे, क्योंकि पता है उनको खेती से कुछ होगा नहीं। वैसे देखा जाए, एक सोचा जाए तो खेती के बिना हम नहीं जी सकते। जो न्यू जनरेशन है बस वो खेती करना नहीं चाहती, खेती तब करना चाहेगा ना इंसान जब इंसान को फायदा हो, कुछ उसका उचित मूल्य मिले उपज का। अब जब उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता तो साल भर मेहनत करेगा, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तब क्यों करना चाहेगा इंसान। अगर किसानों को ना उपज का सही मूल्य मिलेगा ना हर साल, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो खेती करे। अगर उसको नहीं मिलेगा ना उसको उपज का सही मूल्य, तो ना वो उस खेती को छोड़ देगा धीरे धीरे, या तो बिल्कुल छोड़ देगा या तो थोड़ा कम कम करके छोड़ देगा। तो सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए ना जिससे किसान को एवरेज उपज का रेट मिल सके। तो मेरी प्रार्थना है कि हिमाचल के किसान इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाए, अधिक से अधिक शेयर कर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।